हर मोटा व्यक्ति अपना वजन घटाना चाहता है, लेकिन वो परेशान है क्योंकि आज के टाइम में इतने सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं जो कि सभी ये गारंटी लेते हैं कि हम आपका मोटापा कम करेंगे, लेकिन कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। और जो मोटापा बहुत तेज़ी से कम होता है उनके कई सारे साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं हमारी बॉडी में। तो आज हम बात करेंगे ऐसे टेक्निक या ऐसे कह सकते हैं असरदार घरेलू उपायों के बारे में जो आपका मोटापा एक निश्चित समय के साथ निश्चित तरीके से धीरे धीरे कम करेगा और आपको एक अच्छा और असरदार इफ़ेक्ट देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप वीडियो को शुरू करने से पहले DRX अभिलाषा IMS BHU को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा। तो सबसे पहला जो उपाय है वो कार्डमम। कार्डमम इलायची सबके घर में सबको पता है। तो करना क्या है कि रात में सोते समय 2 इलायची खाकर गर्म पानी पीने से वजन कम करने में सहायता मिलती है। अब आप बताओ इतना सस्ता और इतना आसान तरीका कहाँ मिलेगा कि 2 इलायची खा के गर्म पानी पीना है जिससे आपका वजन कम होगा। इलायची जो होता है वो पेट में जमा फैट को कम करता है और कोरिटसॉल लेवल को यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है, नियंत्रित रखता है। इसमें मौजूद पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन B1, B6 और विटामिन सी वजन घटाने के साथ ही शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इलायची अपने गुणों से शरीर में पेशाब के रूप में जो अतिरिक्त जल होता है हमारी बॉडी में उसको बाहर निकालती है। दूसरा जो है उपाय वो अश्वगंधा। अश्वगंधा एक प्लांट है जो कि उसके 2 पत्ते अगर आप लें और उसका पेस्ट बना लें और सुबह खाली पेट इसे गर्म पानी के साथ पीने से अश्वगंधा तनाव के कारण बढ़ने वाले जो मोटापे होते हैं, मतलब आपका जो डिप्रेशन के कारण भी लोगों को फैट बढ़ता है, उसको कम करता है। और जब अगर बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में डिप्रेशन होता है यानी अगर हम बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं अपने अंदर, तो उसके कारण क्या होता है, जो कॉर्टिसोल नामक जो हार्मोन होता है वो अधिक मात्रा में बनता है, जिसके कारण हमारा जो बॉडी है उसमें जो है भूख अधिक लगती है। और भूख जब अधिक लगेगी तो आप ज़्यादा खाओगे और जब आप ज़्यादा खाना खाओगे तो आप जाहिर सी बात है मोटे होंगे। तो इसके लिए एक रिसर्च किया गया जिसके अनुसार ये बताया गया कि जो अश्वगंधा होता है वो शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिसके कारण हमारे जो भूख होते हैं वो एक निश्चित मात्रा में लगते हैं और हमारा मोटापा कम होता है। नेक्स्ट जो होता है वो फेनल होता है यानी कि सौंफ। सौंफ को भी आम बात है, तो 6 से 8 सौंफ के दानों को 1 कप पानी में 5 मिनट तक उबाल लें और इसे छानकर सुबह खाली पेट गर्म पानी गरम गरम ही पी लें। इससे अधिक भूख लगने की जो समस्या होती है वो राहत मिलेगी और खाने की जो इच्छा होगी वो कम होगी, जिसके कारण आप जब ज़्यादा नहीं खाएंगे तो आपका मोटापा भी कम होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेमन और हनी। लेमन और हनी में क्या होता है कि 1 गिलास पानी में आधा नींबू और 1 चम्मच शहद और 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालकर अगर आप उसको रोज़ पी लें तो काली मिर्च में जो पाइपरिन नामक जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो क्या करता है कि नई वसा कोशिकाओं को शरीर में जमने नहीं देता। और नींबू में जो मौजूद एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो शरीर में मौजूद जो क्लेद होते हैं यानी कि जो फैट होते हैं उनको कम करता है और जो शरीर के विषाक्त पदार्थ होते हैं, विषाक्त तत्व होते हैं, उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। ये भी कारण है कि लेमन और हनी वाटर और काली मिर्च के साथ लेने से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है वज़न घटाने में। नेक्स्ट होता है सिनेमम। सिनेमम यानी कि दालचीनी। दालचीनी जो होता है लगभग 200 ml पानी में 3 से 6 ग्राम दालचीनी पाउडर डाल के 15 मिनट तक उबाल लें। गुनगुना होने पर छानकर इसमें 1 चम्मच शहद मिला लें। सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले पिए। दालचीनी एक शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल होता है जो कि नुकसानदायक बैक्टीरिया से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। तो दालचीनी भी बहुत इफ़ेक्ट करता है मगर हम अपनी बॉडी का वेट जो है कम करना चाहे। तो ये 5 ऐसे नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो सबके घर में मौजूद हैं, सब अवेलेबल कर सकता है और इसमें आपका 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है। तो बिना रुपये खर्चा करते हुए आप अपने वजन को आसानी से घटा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।